हे गाइस, तो आज का वीडियो थोड़ा सा फन से शुरू करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और आई एम रियली श्योर सब लोग काफी बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को एक गेम के साथ शुरू करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक्स दिखे मेरे को कमेंट सेक्शन में, उसमें से मैंने 3 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया, जिसके अंदर से हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे जो डिसाइड करेगा कि आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें जरूरत है चिट्स बनाने की, और चिट्स बनाने के लिए हमें जरूरत है एक पेपर की। तो मिल गया हमें पेपर, अब जरूरत है इसकी जगह बनाने की। तो इसकी थोड़ी जगह बनाते हैं और थोड़ी सी सेक्सी लाइटिंग डालते हैं इस पे, और ये आ गई सेक्सी लाइटिंग। तो अब हमें जरूरत है एक मार्कर की और बनाते हैं इसकी चिट्स को। राइट, ये तो काफी आसान था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 टॉपिक्स हैं, मेलोडी मेकिंग, साउंड डिजाइन और रिकॉर्ड लेबल्स। तो मेलोडी मेकिंग में हम लोग सीखेंगे कि एक मेलोडी कैसे बनाते हैं, रिकॉर्ड लेबल्स में हम लोग बात करेंगे कि लेबल्स तक अपने गाने को कैसे पहुंचाया जाए, क्या पूरा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, और साउंड डिजाइन में हम लोग सीखेंगे कि एक साउंड कैसे डिजाइन होती है और अपनी सिग्नेचर साउंड तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो बारी है अब इसे फोल्ड करने की, तो चलो इनको फोल्ड करते हैं। राइट, ये तो काफी जल्दी हो गया। तो चिट्स तैयार हो गई हैं और अब हमें देखना है कि हम इनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनका लकी ड्रॉ करें, क्योंकि कोई बर्तन तो है नहीं मेरे पास जिसमें से मैं लकी ड्रॉ निकालूंगा। तो हमें मेरे ख्याल से अक्कड़ बक्कड़ करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा है इस वक्त। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, रात के बज गए पौने 2, जो होता है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। सो फाइनली चिट मिल गई है, इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है। अच्छा, मेलोडी मेकिंग। सो मेलोडी मेकिंग की बात करेंगे आज, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफी मजा आने वाला है इसमें। ओके, जस्ट इन केस मेरे को ट्रिक पता थी कि मैं जिससे शुरू करूंगा उसी पे ही मैं वापस आऊंगा, बट ये जो बात है ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। तो एक बार बाकी तो चिट्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करें इन दोनों टॉपिक्स में से जो भी आपको चाहिए उसको, और जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। सो तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही फेयर तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलोडी के बारे में, देखेंगे कि एक मेलोडी कैसे क्रिएट होती है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेलोडी बनाने के लिए क्या म्यूजिक थ्योरी जरूरी है कि नहीं, क्या आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन पता होनी चाहिए कि नहीं, क्या आपको ईयर ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं। तो आपको उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक नया प्रोजेक्ट खोला है मैंने, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे पास इस वक्त पियानो है सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक मेलोडी को अप्रोच कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक मेलोडी या एक गाने को डिफाइन करती है वो है उसकी फील। और एक फील को अगर हम म्यूजिकल टर्म्स में देखें तो म्यूजिकल टर्म्स में आपकी जो फील है वो सबसे ज्यादा सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है, वो है आपके सॉन्ग की टेम्पो और एक आपके सॉन्ग की की। तो टेम्पो बताती है कि आपका ट्रैक किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, स्लो टेम्पो है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग होगा, और अगर फास्ट टेम्पो है तो वो डांस म्यूजिक, पार्टी म्यूजिक की तरफ जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम स्केल्स की बात करें तो मेजर स्केल्स जो है वो 99.9% ऑफ द टाइम्स डिनोट करते हैं कि आपका सॉन्ग हैप्पी सॉन्ग है, और माइनर स्केल्स डिनोट करते हैं कि थोड़ा सा आपका सैड साइड पे जा रहा है सॉन्ग। तो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक रेडीमेड बीट लूंगा। से हम लोग कोई भी एक रैंडम बीट निकालते हैं यहाँ से, और एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पे एक ही बीट पे मैं आपको हैप्पी मेलोडी बना के दिखाऊंगा और उसी पे ही मैं सैड मेलोडी बना के दिखाऊंगा। तो ढूंढते हैं बीट को। इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी डिफरेंट बीट है, काफी अच्छी लग रही है। तो इसको मैं ड्रैग करके इधर डाल देता हूँ, और हम क्या करेंगे, इसको मैं जूम इन करता हूँ और साइकिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई, इस पे कुछ एक हैप्पी बनाते हैं, कुछ एक एक्साइटिंग सा बनाते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट टेम्पो देखना है सबसे पहले, एंड इस वक्त प्रोजेक्ट टेम्पो जो है वो 90 पे है। तो लेट्स इंक्रीज इट और देखते हैं कहाँ पे हमें फील होती है कि इस बीट में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ गई, थोड़ी सी एनर्जी आ गई।
राइट, साउंड्स गुड. इसको कुछ बना सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पियानो रोल खोलता हूँ. इस वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कोई भी मिडी का यूज नहीं करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ माउस कीबोर्ड की मदद से अपनी मेलेडी को वहां पे उतार सकते हो. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइज करना. तो मैं इस बीट को प्ले करूंगा, मैं आंखें बंद करूंगा एंड लेट्स विजुअलाइज. एक हैप्पी सीन इमेजिन करते हैं, एक एक्साइटिंग सा सीन इमेजिन करते हैं जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है एंड उससे रिलेटेड मैं एक ट्यून को हम करूंगा. उसके बाद मैं उसी ट्यून को यहाँ पे उतारूंगा. तो वो प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमिंग करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या मेलेडी सूट करेगी इस बीट पे. तो सबसे पहले इसकी की ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये कौन से स्केल पे है. सबसे पहले इसको मैप करते हैं, साथ साथ चलते हैं. परफेक्ट. तो इतना पार्ट हमने बना लिया है एंड लेट्स कंप्लीट दिस मेलेडी. सेकंड हाफ में क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे इसको. तो ये जो चीज अभी मैंने की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, प्रैक्टिस. हम करो किसी भी एक नोट पे एंड ट्राई टू फाइंड कि वो कौन से नोट पे लाया करता है कीबोर्ड पे. ऐसे करते करते आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि जो भी आप हम करोगे ट्यून, आप उसको प्ले कर पाओगे. हमें रैंडमली नहीं ड्रॉ करने नोट्स, रैंडमली मेलेडी नहीं बनानी, बिकॉज वो हिट एंड ट्रायल होता है. तभी आप लोगों ने देखा होगा कभी रिजल्ट आता है, कभी रिजल्ट नहीं आता. तो इसको कंप्लीट करते हैं. ता 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 तरा 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 ता 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 तरा तरा ता 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 तरा तरा ता 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 तरा तरा ता. बहुत सिंपल रखते हैं इसको, बिकॉज मेरा आइडिया ये था डेमोन्स्ट्रेट करने का कि कैसे हम मेलेडी को अप्रोच करेंगे. एंड डेफिनेटली अगर इस पे और टाइम दिया जाए तो आप इसको बहुत रिफाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो एंड इवन टाइम सिग्नेचर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो. सो इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टास्क. अगला टास्क जो है हमारा वो है एक सैड सॉन्ग बनाना, एक सैड मेलेडी बनाना. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस मेन्यू पे जाऊंगा और प्रोजेक्ट की जो टेम्पो है वो यहाँ से स्लो डाउन कर दूंगा. तो इस बीट को कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी स्लो टेम्पो की जरूरत है हमें इसको सैड बनाने के लिए.
राइट, एक बार रेफरेंस ले लेते हैं। परफेक्ट, काफी सैड साउंड कर रही है, तो इसको और सैड बनाते हैं, एक मेलेडी बनाते हैं इसके लिए। सो अगेन आई विल ओपन माय पियानो रोल, इमेजिन करूंगा एक सैड सीन और कोई भी एक ट्यून हम करूंगा, उसी ट्यून को हमको फिर यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। सो लेट्स हम द ट्यून। तो ये तीन नोट्स आ गए हमारे पास, यहां से हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब इनको थोड़ा सा फास्ट चाहिए हमें, तो इनको हम थोड़ी थोड़ी सी लेंथ कम कर देंगे इनकी। तारा ता पा पारा पा 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 परफेक्ट। पा 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 पा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बिकॉज मैं बिल्कुल वोकल्स वगैरह में नहीं हूँ एंड काफी ऑफ पिच जा रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फील। आपको वोकलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है एक मेलेडी बनाने के लिए, वही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे वोकल्स का वो भी नहीं आता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू सी द क्लोजेस्ट नोट जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट ईयर ट्रेनिंग, अपने कान को ट्रेन करो, सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस करो, हम करो, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज करो, अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो और भी बढ़िया बात है, एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज इन द एंड आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो ये चीज तो आनी जरूरी है। पा पा परा पा पा पा, परफेक्ट। और इसको लंबा कर देंगे बिकॉज एंड में यही नोट है जो सस्टेन हो रहा है। पा परा पा 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 पा, बहुत अच्छा पिकअप बना सकते हैं। पा 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 pa 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 pa, okay। सो वॉट वी कैन डू इज, एक बार आपकी मेलेडी तैयार हो गई, मेलेडी के बाद आप जाओ कॉम्पोजिशन में, ट्राई टू एड मोर इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हैप्पी वाइब की हम बात करें तो लेट्स प्ले दिस और इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगेगा। राइट, तो यहाँ पे आप लोग ब्रास का यूज कर सकते हो, ब्रास बहुत अच्छा लगेगा, इवन सैक्सोफोन टाइप कुछ अच्छा लगेगा। बेसिकली यू नीड एनी वन इंस्ट्रूमेंट जिसका रिलीज टाइम कम हो, सस्टेन टाइम कम हो, क्यों? क्योंकि ये जो रिदम है ये बहुत फास्ट जा रही है। एट द सेम टाइम अगर हम स्लो की बात करें, पा
अब देखो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इस केस में आप स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हो, फ्लूट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका सस्टेन ज्यादा हो, जिसका रिलीज ज्यादा हो, जिस वजह से वो जो गैप्स हैं वो गैप्स आराम से फिल हो पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो यही है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्डवर्क का। तुम मेहनत करो, ईयर ट्रेनिंग करो, अपने कान को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि आप कोई भी मेलोडी कभी भी हम करो, कोई भी मेलोडी सुनो, आप उसको रेप्लीकेट कर पाओ, बिकॉज ये आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन स्किल्स को बहुत एनहांस करेगा। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।